YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले RHS BSc नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के मेन एग्जाम के बारे में, जो 2024 मेन एग्जाम होने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड की, तो उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। RHS की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने के लिए RHS ने नोटिस जारी कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन्होंने 2023-24 बैच में एडमिशन लिया था उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। जो नोटिफिकेशन RHS ने जारी करा है ये नोटिफिकेशन रहने वाला है 2022-23 वालों के लिए। जिन्होंने बैच 2022-23 में एडमिशन लिया था उनके लिए तो RHS ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन जो जिनका एडमिशन 23-24 में हुआ था उनके लिए नोटिस कब आएगा और क्या वो भी इस फॉर्म को भर सकते या नहीं भर सकते, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ अपने उन सभी साथियों के पास शेयर करना जो बीएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर सेकंड का एग्जाम देंगे और जिनके सेमेस्टर फर्स्ट में बैच थी उनके पास भी शेयर करना। मैं आपको बता दूँ आज दिन तक जितने भी एग्जाम हुए हैं RHS के, चाहे वो सेमेस्टर के हो या फिर अकेडमिक एग्जाम हो, सभी एग्जाम में हमने गेस पेपर प्रोवाइड करवाए और सभी एग्जाम में जो गेस पेपर हमने दिए हैं 100% एक्यूरेट बैठे हैं। मैक्सिमम पेपर में 60 से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस 80 में से डायरेक्ट मिले हैं, तो आप हमारे गेस पेपर पर आंख मीच के विश्वास कर सकते हो। तो आपको गेस पेपर अगर चाहिए आपके एग्जाम में जो जून में होने वाले सेमेस्टर वालों के लिए, तो आपको आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन बटन ऑन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। RHS की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ था किस डेट को, कल की डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका था जिसमें बताया गया RHS के शेड्यूल के बारे में। तो यहाँ पर देखो आप द एग्जाम डेट ऑफ द पोस्ट मेडिकल, इसके अलावा नीचे वाले हैं एग्जाम फॉरम लेटर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सप्लीमेंट्री, यानी कि एग्जाम जून 2024 बैच 2022-23। यहाँ पे 23-24 का जिक्र नहीं करा गया है, केवल 22-23 का जिक्र करा गया है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर मेन एग्जाम जून 2024, इसमें भी लिखा गया है 2022-23 यहाँ पर बैच का जिक्र है, यानी कि आपका जो बैच है 23-24 उसका जिक्र यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके देख सकते हो। स्पेशली मैं बात इसमें कर रहा हूँ सेमेस्टर सेकेंड की, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है देख लो आप। तो ये नोटिफिकेशन मैंने कल ही टेलीग्राम पर डाल दिया था, आपने देख लिया होगा। यहाँ पर मैंने एक नोटिफिकेशन एक अपडेट भी दिया था कि फर्स्ट सेमेस्टर बैच 2023-24 इनका जो मेन एग्जाम है वो जुलाई के थर्ड या फोर्थ वीक में हो सकता है, और जो इनके एप्लीकेशन फॉर्म है थर्ड वीक ऑफ जून, यानी कि जून के थर्ड वीक में जारी कर दिए जाएंगे RHS के द्वारा। ये अपडेट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ टेलीग्राम पर। बाकी हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करें जिसका एग्जाम जून में होने वाला है और ये 2022-23 सेशन के लिए रहने वाला है, तो यहाँ पर देखो 7 जून को नोटिफिकेशन जारी करा गया RHS की तरफ से, जिसमें सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कि सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में और मेन एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रखा है, बैच का नाम यहाँ पर लिख रखा है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो कब से स्टार्ट होने वाले, 8, यानी कि आज से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। किस प्रकार आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद भर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको दिक्कत आएगी तो इसलिए मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे देख के आप फॉर्म भर पाओगे। 8 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट, 8 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे और 15 जून तक आप फॉर्म भर पाओगे। जो लेट फीस के साथ फॉर्म चलेंगे वो चलेंगे 16/6 से 17/6 तक, और डबल पीस के साथ 18/6 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। कॉलेज में वेरिफिकेशन की जो डेट रहेगी 19/6 रहेगी, यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन की जो डेट रहेगी वो 22/6 रहने वाले, यानी कि 22 जून तक आपके एग्ज़ाम जो फॉर्म है उनकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी होंगे लगभग 28 के आसपास एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आ सकते हैं, 25 से 28 के आसपास एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आएंगे, 25 मान लो आप, तो एक एग्जाम कोई ना कोई एग्जाम आपका जून में कंडक्ट करवा लिया जाएगा किसी न किसी कंडीशन में। यहाँ पर देखो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सप्लीमेंट्री के लिए वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिनका एनरोलमेंट 2022-23 में हुआ था। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की जो मेन परीक्षा अभी दिसंबर में हुई थी, आपको पता है दिया होगा आपने फर्स्ट सेमेस्टर का, तो नवंबर दिसंबर में जो पेपर हुए थे नवंबर में उसमें अनुत्तीर्ण हो गए, यानी किसी विषय में आप फेल हो गए हो, तो उस अकेले विषय का आप सप्लीमेंट्री दे सकते हो। इसके अलावा जिन्होंने यहाँ पर, चाहे आप उत्तीर्ण हो या अनुत्तीर्ण हो, आप सेकंड सेमेस्टर का भी एग्जाम दे पाओगे। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना होगा, आप पहले जो नवंबर में एग्जाम हुआ था उसमें अपीयर होना जरूरी है, नवंबर में प्रविष्ट हुए हो वे समस्त उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, चाहे आप पास हो फर्स्ट सेमेस्टर में आप पास हो या फिर आप फेल हो,
फिर भी आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे पाओगे, तो आप सभी के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा विशेष सूचना दे रखी है कि 70/2023 यानी कि सेशन 2023-24 में प्रवेशित एवं नामांकित छात्रों का प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई 2024 के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में आयोजित किए जाना प्रस्तावित है। क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। जिनके भी प्रोविजनल नामांकित नंबर है, एनरोलमेंट नंबर प्रोविजनल है, वो सभी को अलाउ नहीं करेंगे, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो इस पर स्पेशली ध्यान रखें, जिन्होंने भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रखा है जिनके प्रोविजनल नंबर मिले हैं उनको, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 जून रखी गई है और 19 जून तक आपको कॉलेज वेरिफिकेशन का लास्ट टाइम यहां पर रखा गया है। तो आप सभी अवश्य ध्यान रखें कि फॉर्म टाइम से भर लें। यदि किसी अपात्र विद्यार्थी का विश्वविद्यालय के पोर्टल पर परीक्षा फॉर्म डिस्प्ले या ओपन हो जाता है, तो भी प्रदर्शित परीक्षा फॉर्म परीक्षा विद्यार्थी की परीक्षा हेतु पात्रता सिद्ध नहीं करता। ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा फॉर्म पोर्टल पर वेरीफाई न करें एवं विश्वविद्यालय न भिजवाए। ये कॉलेज वालों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। फॉर्म फीस क्या लगेगी मैं आपको बता दूंगा जल्दी कि कितनी फॉर्म फीस आपकी लगने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर की तो आपको वैसे पता है ही, सप्लीमेंट्री की अगर आपको बता दूं, सप्लीमेंट्री का जो एक सब्जेक्ट की जो फीस लगती है वो लगती है 680 रुपये। बाकी सेकेंड सेमेस्टर की पहली बार लगेगी कितनी लगती है वो आपको जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे मैं बता दूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से, टेलीग्राम पर आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।